हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं बैठी हूँ, ऐसे शूटिंग करने का ट्राई कर रही थी कि मैं अपना कुछ शॉपिंग हॉल आपके साथ शेयर करूँ जो मैंने सिया फैशन से ऑर्डर किए थे कुछ चीज़ें। और मुझे जो भी कपड़े आए वो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ। और बहुत ही अच्छा लगा था मुझे, और इसमें से काफ़ी जो भी ड्रेसेस थे और कुछ साड़ीज़ भी मैंने कोई कोई ओकेशन में पहने जो बहुत ही अच्छे लग रहे थे, बहुत ज़्यादा रिच देखने में लग रहे थे, एक्सपेंसिव लग रहे थे, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव तो नहीं थे बट अच्छा था, क्वालिटी भी बहुत अच्छा था और स्टिचिंग भी बहुत ही अच्छी तरह से हो के आया था। तो ये ड्रेस था एक पिस्ता कलर का, जिसका दुपट्टा भी काफ़ी अच्छा भरा हुआ सा था, पहनने में भी बहुत ही सुंदर लग रहा था और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। और जैसे मैंने डिज़ाइन देखा था पिक्चर में, बिल्कुल वैसा ही था ये, तो बहुत ही सुंदर सा ये ड्रेस था पिस्ता कलर का। और इसका जो पैंट है वो पैंट स्टाइल उन्होंने पैजामा सिल के भेजा था, मैंने कभी इससे पहले पैंट स्टाइल पैजामा पहना नहीं है, और ये पहन के मुझे काफ़ी कंफर्टेबल लगा। आजकल तो फैशन ही है ये पैंट स्टाइल का ही, तो अच्छा लग रहा था एकदम, फिटिंग और सब कुछ बहुत ही परफेक्ट सिला था। तो अगर हम अपना प्रॉपर साइज़ मेजर करके दें, अगर क्योंकि हम इतने दूर हैं तो हम खुद जाके टेलर के पास तो मेजर नहीं करा सकते, तो अगर साइज़ प्रॉपर दें तो ड्रेस बहुत ही अच्छा सिल के हमको मिलता है, लेकिन परफेक्ट साइज़ देना चाहिए और थोड़ा मार्जिन रखने को कह सकते हैं हम उनको, सो दैट वो फिर उस हिसाब से थोड़ा सा मार्जिन रखते हैं कि इनके ज़रूरत पड़ा तो वो खोल दें। तो ये मेरा शॉपिंग हॉल था सिया फैशन का, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद में ये साड़ी भी बहुत अच्छी थी, रेड कलर की ऑर्गेन्जा, जो कि अभी तक मैंने पहना नहीं है इसे, बट मैं पहनूंगी किसी ओकेशन पे। बहुत ही सुंदर रेड कलर की साड़ी थी, और इसका जो बॉर्डर है ब्लू कलर का, तो उसका ब्लू ब्लाउज़ भी मैंने स्टिच करवा के मंगवाया था, जो बहुत अच्छा स्टिच हो के आया है। और अगेन वही बात है कि हम इतने दूर हैं तो थोड़ा सा स्टिचिंग जो है वो हमको कम ज़्यादा लग सकता है, जो कि ये परफेक्ट था, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, अच्छा स्टिच हो के आया था। लेकिन तो अगर कुछ हो तो थोड़ा सा हमको खोलना या टाइट करना पड़े तो वो हम कर सकते हैं, बट ये काफ़ी अच्छा उन्होंने स्टिच किया था। और ये इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो भी मेरी ये साड़ी ही है, जो येलो कलर की है ऑर्गेन्जा, सेम वैसे ही एक ही टाइप की मैंने दो तीन साड़ियाँ मंगवा ली थी, क्योंकि मुझे जैसे कलर अच्छा लगता है तो मैं फिर एक भले ही एक जैसे हो लेकिन मैं मंगवा लेती हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं। तो ये वाला येलो साड़ी भी बहुत ही सुंदर था। और मैंने ब्लाउज़ इसका नहीं स्टिच कराया क्योंकि दोनों का ब्लाउज़ जो है वो सेम कलर का था, तो मैंने एक का ही ब्लाउज़ स्टिच कराया जो दोनों साड़ियों पर चल जाएगा। ये नेक्स्ट आइटम जो है वो है ये साड़ी, ये भी बहुत ही सुंदर साड़ी थी, जिसका कॉम्बिनेशन था ऑरेंज और रानी कलर का, ऑरेंज और डार्क गुलाबी कलर का, जो बहुत सुंदर लग रहा था। मैंने बाद में लास्ट में इसका जो है पहन के भी इसको ट्राई भी किया है, उसके भी कुछ पिक्चर्स और वीडियोस क्लिप्स ऐड कर दूंगी मैं इसमें। और ये बहुत ही अच्छी हल्की सी साड़ी है, अगर इंडिया में तो मैं ज़्यादातर डेली वेयर में भी हम घर पे साड़ी ही पहनते हैं, तो उसके लिए ये बहुत ही सुंदर है। और छोटे मोटे कोई अच्छा सा दिन हो, व्रत का दिन हो या कोई त्यौहार का दिन हो, तो उस दिन भी हम घर में पहनने के लिए दिन भर में ये इस तरह की साड़ी पहन सकते हैं। बहुत ही अच्छा कलरफुल साड़ी था ये। उसके साथ में ब्लाउज़ का मटीरियल था जो मैंने नहीं स्टिच कराया, क्योंकि मेरे पास येलो, ऑरेंज और रानी सब कलर के ब्लाउजेस हैं, तो इसलिए मैंने ये वाला कुछ अलग ही टाइप का ब्लाउज था जो स्टिच नहीं कराया। अब ये एक साड़ी है जो मैंने पहना भी हुआ था किसी ओकेशन पे, और दो तीन बार पहन लिया एक्चुअली ये साड़ी मैंने, बहुत ही अच्छा इस पर है ना, ये प्रिंट है, ये कुछ वर्क नहीं है, इट इज़ प्रिंटेड, बट स्टिल इसका कलर और इस पर जो प्रिंट्स है वो बहुत ही सुंदर लग रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। और दो थे एक्चुअली, उसमें से मैं पसंद नहीं कर पा रही थी कि मैं कौन सा वाला मंगवाऊं, बट मुझे ये जामुनी ज़्यादा अच्छा लगा तो मैंने ये मंगाया। उसके साथ में ये ब्लाउज़ भी आया है स्टिच होके, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था ये ब्लाउज़ भी, बट क्योंकि साड़ी बहुत ज़्यादा प्रिंटेड है तो मुझे अगर इस पर ब्लाउज़ प्लेन होता तो भी बहुत अच्छा लगता, सिर्फ बॉर्डर वाला,
बट ये ब्लाउज़ भी अच्छा लग रहा था, मैंने पहना है, मैं वो भी फ़ोटो डालूँगी। अब उसके बाद में ये नेक्स्ट ड्रेस है, ये येलो कलर का, इसको भी हमने कई बार पहना, बहुत ही सुंदर ड्रेस है ये, और इसका मटेरियल भी बहुत सॉफ्ट सा है, और अस्तर स्टिच डाल के ही स्टिच करा के आया था। और ये नेक का पैटर्न तो जैसा उसमें पिक्चर में था मॉडल का, वो ही पैटर्न उन्होंने सिल दिया था, विच वाज़ ओके गुड। और ये उसके साथ में दुपट्टा आया था जो ऑर्गेन्जा टाइप दुपट्टा था, और ये प्रिंटेड है उसमें दुपट्टे पे, जो ड्रेस है उस पर तो वर्क किया हुआ है, बट ये जो डिज़ाइन है वो प्रिंटेड है दुपट्टे पे, तो जो बहुत ही अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था बनारसी दुपट्टा है और कढ़ाई की हुई है, बट वो कढ़ाई नहीं है, बट प्रिंटेड है, बहुत सुंदर लग रहा था येलो पे वो ड्रेस के साथ में। अब आगे मैंने कुछ क्लिप्स ऐड किए हैं जो मैंने ये सभी कपड़ों को ट्रायल करके आपके लिए रखा हुआ है। उम्मीद है आप लोग देखेंगे, एंजॉय करेंगे सारा पिक्चर्स, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपको भी सिया फैशन से शॉपिंग करनी है तो आप अपने फ़ोन के गूगल पे जाके सिया SIYA सिया फैशन टाइप करेंगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा, और वहाँ पे आप अपने पसंद के सलवार सूट और साड़ियाँ, पार्टी वेयर्स और मेंस एंड इवन किड्स चिल्ड्रंस वेयर्स भी ढूंढ सकते हैं। बहुत ही अच्छी वैरायटी और बहुत ही रीज़नेबल कॉस्ट में आते हैं, तो आप मंगवा सकते हैं। जो बाहर रहते हैं आउट ऑफ इंडिया, उनके लिए तो ये बहुत ही बड़ा ब्लेसिंग है जो हम अपने शॉपिंग कर सकते हैं अपने पसंद की। सो आई लव सिया फैशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।